नमस्कार। कोरोना का वैक्सीनेशन कराने जा रहे लोगों को अब सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं दिखाई देगी, ना ही प्रधानमंत्री का नाम होगा। खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगा दिया है और यह बड़ा फैसला देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया है। आपको याद दिलाते चलें कि शनिवार को ही 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान हुआ है। इसी के साथ इन सूबों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के लोग जब वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो उनके सर्टिफिकेट पर ना ही पीएम का नाम होगा और ना ही तस्वीर। वैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर विपक्ष कई बार सवाल उठा चुका है। दलील दी जाती है कि सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का क्या काम। कुछ वक्त पहले जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी इस मांग को उठाया गया था। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीर को लेकर काफी बवाल मचा था। इसको लेकर केरल हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी जिसमें पीएम की तस्वीर को हटाने की मांग की गई थी। इस याचिका को पिछले साल दिसंबर में खारिज कर दिया गया था। बहरहाल इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का साफ कहना है कि इन सब फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ना, आनी तो बीजेपी की सरकार ही है, जबकि कुछ लोग इस फैसले को सराहनीय बता रहे हैं। आपको बताते चले, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। इनमें पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च, सातवां चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। पंजाब और गोवा में एक ही चरण में चुनाव होंगे और वो तारीख है 14 फरवरी। उत्तराखंड में भी इसी दिन चुनाव है। मणिपुर में 2 चरणों में यानी 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे। बहरहाल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।